थोड़ी देर बात सुनिए, थोड़ी देर बात सुनिए। फॉर्चुनेटली इस फिल्म में एक विशेष बात ये भी हुई है, कोई इंसिडेंट कही है पीछे पीछे सेंटर में हमारे नायिका जो है काजल, उनका भी नाम काजल सेंटर में यादव, और ये कभी एड में गया है तो ऐसा भी गया है काजल एज काजल, तो ये है। और इसका नायक है आदित्य मोहन जी, और जो हमारे बहुत ही प्रिय कलाकार में से हैं, किए हैं अभी भी कर रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। ब्रजभूषण जी, काजल बहुत मुस्कुरा रही है, ये लाइन बहुत अच्छी है, आगे भी करते काजल इसलिए मुस्कुरा रही है कि काजल के विशेष तौर को ध्यान में रखते हुए इसकी स्क्रीन प्ले डायलॉग पर कुछ हमने ऐसा किया है कि वो मुस्कुराएंगे। और फिल्म बनने के बाद जब निकलेगी तो पब्लिक इन्हें बिल्कुल उठा लेगी सर आपको, ऐसा मेरा विश्वास है। काजल को पूछ लेता हूँ, काजल जी आप सबसे पहले तो बहुत मेरी मुस्कुराहट से पता चल रहा होगा कि मैं बहुत खुश हूँ, और रिक सर का आशीर्वाद है जिन्होंने मुझे इस फिल्म में एज काजल कैरेक्टर में कास्ट किया है। थैंक यू रिक सर। मैं बस यही चाहूँगी कि रिक सर का जो भी मुझसे उम्मीद है मैं उस उम्मीद पे करी हूँ, और अपना 110% काजल जी एक फिल्म आई थी रवि किशन, जिसके हीरो थे रवि किशन, और फीमेल ओरिएंटेड पहली फिल्म है जिसमें काजल आपका नाम है, वो काजल नाम से आपकी सिनेमा आ रही है, कितना आप एक्साइटेड हैं? बहुत बहुत, मतलब मेरी करियर के इतने कम स्टेज पे इतना बड़ी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है, और क्या होता है कि हम नॉर्मली फिल्म में तो काम करते हैं बट उस पर इतना प्रेशर नहीं होता है, बट ये फिल्म अगर अच्छी भी होगी तो ये काजल जो नाम इतना बड़ा है कि पब्लिक मुझे ही बोलेगी, और अगर कहीं लड़खड़ाएगी तो बोलेगी अरे यार काजल की वजह से लड़खड़ाए, तो बस बहुत प्रेशर है, बहुत सी बातें हैं, कुछ पॉजिटिव थॉट्स कुछ नेगेटिव थॉट्स। बस मैं ये चाहूँगी कि हर, मतलब ये फिल्म बहुत अच्छी बने, और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ हम सब जुड़े हैं, हमारे प्रोड्यूसर बहुत ही अलग फेज से थे, वो पहली फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बस मैं यही चाहूँगी कि आप अपना प्यार आशीर्वाद इस फिल्म को जरूर। काजल जी, अमिताभ बच्चन और जया बच्चन का इस फिल्म में लगता है जोड़ी लग रही है, अभी हमारे हीरो जो आदित्य मोहन लंबे हैं, आप थोड़ा सा, अच्छा मैं नाटी हूँ, हाँ तो कैसे आप इनको हैंडल करेंगी? नहीं कुछ नहीं है, आजकल हैंडल करने के बहुत से तरीके हैं, हाई हील्स होते हैं और बहुत कुछ होता है, पहले टेबल लगा देता अभी हाई हैंडल, इतनी भी हाइट छोटी नहीं है मैंने, और भी छोटे मेरा कॉम्बिनेशन काफी लंबी हाइट की वजह से कोई समस्या हुई आदित्य मोहन? बहुत जगह हुई है मुझे एक्चुअली, कितनी जगह मुझे पैर को स्प्लिट है काम करना पड़ा है, और मुझे वो पटवा यूज हुआ है इसलिए तो काफ़ी ज़्यादा होती है कभी शोल्डर मैनेज करना, मुझे अगर सबसे मैं कंफर्ट रहा हूँ तो सर के साथ ही मैं लास्ट फिल्म कर रहा था विजयनी, और कुंजन कपूर जी के साथ मैं बहुत कम्फर्ट था पूरा, लेकिन मैं समझता हूँ कि काजल के साथ भी ये प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज काजल एक अच्छे हाइट की लड़की है, जो एवरेज इंडिया का जो हाइट होना चाहिए एक आइडियल इंडियन गर्ल है, तो इसलिए इतनी भी नहीं है कि नाटी सब कब शुरू होगी फिर सर, तो ये जया भाद्री तो है नहीं, इतना तो कम से कम ये, हाँ एक्टिंग में जरूर चाहेंगे कि जया भाद्री। कब तक फिल्म शुरू होगी, कहाँ शूट करेंगे? फिल्म समझिए शुरू हो गई जी, क्योंकि सबसे पहले तो शुरुआत में राइटिंग को मानता हूँ, तो राइटिंग मुकम्मल है और बहुत ही अच्छी राइटिंग हुई है, फिर गाने का दूसरा स्टेज मानते हैं, वो गाने सारे तैयार हो गए, बहुत ही अच्छे रिकॉर्ड हो रहे हैं, अच्छे अच्छे सिंगर आज मोहन राठौर जी ने गाया है, प्रियंका जी गा रही हैं, फिर पमेला जैन जी हैं, और इस तरह से लगातार जो भी इंडस्ट्री के अच्छे गायक हैं। मुझे आज के लिए पता चला है आदित्य मोहन भी गाना शुरू कर चुके हैं, क्या हो सकते हैं उनकी आवाज़ में कोई गाना हो सकता है? आदित्य मोहन जी गाना शुरू किए हैं, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि इनका हक भी बनता है, सारे गायक जब हीरो बनते हैं तो हमारे हीरो अगर गाता है तो क्या तकलीफ की बात है, बिल्कुल अच्छी बात है, हाँ तो गाना ही चाहिए, लेकिन हाँ ये बता दूँ कि इस फिल्म में नहीं गा रहे। ये तो बड़ी नाइस बात है, ये अच्छे का